हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अहमदाबाद के पिच रिपोर्ट की, जो कि फाइनल मैच यहाँ पे होने वाला है। लास्ट अगर दो मैच अहमदाबाद में आप देखोगे तो दोनों में हमने देखा कि जो वेरिएशन है वो फास्ट बॉलर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है एज़ कम्पेयर टू अ स्पिन बॉलर। पिछले दो मैच में सिर्फ 3 विकेट जो है वो स्पिनर को मिला है, और पिछले अगर हम दो मैच की बात करेंगे तो आप देखोगे कि पिछले दो मैचों में टोटल जो है वो आपको 26 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर को मिला है टोटल दो मैचों में। तो आप इसे उम्मीद कर सकते हो कि ग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल जो है वो रहा है अभी तक फास्ट बॉलर के लिए, और ऐसा नहीं कि रन नहीं बना है। दोनों मैच में आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रन बना है। जो पहला मैच बात करता हूँ वहाँ पर आप देखोगे तो 188 रन बना था, दूसरा में देखोगे तो आपको 233 रन बना। तो रन जो है काफ़ी इस ग्राउंड पर बनता है, विकेट भी जो है ना उसी के लिहाज से थोड़ा सा फास्ट बॉलर को ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं फास्ट बॉलर को विकेट तो मिलता है लेकिन मार भी जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब कैसा सीनरी जो आपको देखने को मिल सकता है, क्या सीनरी रहने वाला है, तो वीडियो को में जो है पूरा देखना, बहुत ही डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या सीनरी जो है वो रहते हुए नज़र आया है। सबसे पहले बात करते हैं, तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट उठा सको, IPL में तो हमने जो है एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है और 95% जो है वो अबव आपको जो है वो सेशन उस में देखने को मिलेगा। मैच में देखोगे तो 92% के आसपास जो है वो एक्यूरेसी रहा है, और एंट्री जैकपॉट अब देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 10-12 जैकपॉट उड़े हैं, जिनमें से 10-11 जैकपॉट जो हमने बहुत ही आराम से जो है कैच किया है। और ओवन ऐसा नहीं कि मैंने पेड में जो है ओपन कराया है, सब कुछ जो है टेलीग्राम पे जो है जाके आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो है सारे जैकपॉट कॉल जो है मैंने दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है जैकपॉट कॉल उठाया है। इसके अलावा ड्रीम इलेवन क्लब स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ जाना, और देखो इसके बाद IPL का जो लास्ट मैच है, IPL के बाद जो हम लोग ब्लास्ट में जो है काम करना शुरू करेंगे, ब्लास्ट में भी जो है सीनरी जो है चलते रहेगा। इसके अलावा देखोगे तो आपको TNPL शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे मैचेज आ रहे हैं, सब में जो है ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं पिच के बारे में, तो पिच में जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट मैच था, लास्ट मैच में यहाँ पर बहुत अच्छा रन जो है देखने को मिला। आप देखोगे 234 का टारगेट जो है किसी भी टीम के लिए कम नहीं होता है, और 234 रन बनवा देना। MI की बॉलिंग ऐसे भी जो है वो वीक है, ये हम सभी को पता है, और एक अच्छा सीनरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस मैच में भी। जब दोनों का जो बॉलिंग इंपैक्ट देखोगे तो देखो चेन्नई का बॉलिंग इंपैक्ट जो है थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन दीपक चहर के आ जाने से थोड़ा सा मजबूत जो है ज़रूर हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद का बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा, और उसके खिलाफ रन बनाना वैसे भी CSK को जो है थोड़ा सा मुश्किल होते हुए यहाँ पर नज़र जरूर आएगा। अब बात करते हैं पिच का, देखो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बाउंड्रीज एरिया भी ना कोई बहुत बड़े जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मली जो है वही बाउंड्रीज एरिया जो आपको नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छा सीनरी में जो है यहाँ पर बैटिंग वाला फ्रेंड जो है वो रहने वाला है आप, और रन जो है इवन 200 के आसपास जो है रन आप यहाँ पर देख सकते हो इस मैच में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आपको एक प्रेशर के साथ मैचेज जो है देखने को मिलेगा। अब जो लास्ट मैच था उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसा सीनरी जो है लास्ट मैच में दिखाई देते। देखोगे लास्ट मैच में तो लास्ट मैच में देखने मिला गुजरात जो है 233 बनाया, और मुंबई जो है 171 पे जो है ऑल आउट हो गया। विकेट देखो तो फास्ट बॉलर को जो है 9 मिला और स्पिनर को जो है 3 विकेट मिला, और इसमें से अगर मुंबई की तरफ से देखो तो मुंबई की तरफ से आकाश मथुरा को 1 विकेट मिला था। हालांकि रन देखोगे तो इनका इकनॉमी रेट जो है 13 के ऊपर था, यानी कि 4 ओवर में देखोगे ना तो आपको 55-56 रन से जो है ज़्यादा दे दिए। चावला का भी जो है इकनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा था, और रन जो है विकेट देखोगे सिर्फ 1 मिला। गुजरात की बात करें तो मोहित शर्मा का जो है वो देखोगे इकोनॉमी रेट काफ़ी बढ़िया था, और विकेट भी जो है 5 मिला, और इवन इन्होंने जो है शायद 2.3 ओवर यानी कि आप देखोगे 15 बॉल के आसपास जो है बॉलिंग किया और सिर्फ 5 विकेट जो है ले लिया। जोशवा रेड्डी की बात करते हैं तो 1 विकेट इनको मिला, इनका इकोनॉमी रेट भी जो है ठीक था। राशिद खान का इकोनॉमी रेट महंगा था, 2 विकेट मिला। शमी का इकोनॉमी रेट थोड़ा सा महंगा था, 2 विकेट मिला। तो अब यहाँ पे सीनरी पर देखोगे तो फास्ट बॉलर को देखो ना, तो फास्ट बॉलर ने जो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाला है एज़ कम्पेयर टू जो है वो स्पिन बॉलर है। इसके पहले के मैच में देखो तो वहाँ पर 17 विकेट फास्ट बॉलर को मिला था, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बैटिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इस ग्राउंड पे, तो बैटिंग में भी आप देखो ना तो आपको देखने मिलेगा कि बैटिंग में जब 233 रन बनता है तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी ने जो है बहुत बड़ा रन बनाया हुआ था। आप देखोगे सुमन गिल का जो है यहाँ पे 129 रन था 60 बॉल पर, और यही देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे साई सुदर्शन का जो है ये 60 बॉल नहीं है, बहुत ही कम था, 43 रन जो है था वो शायद 29 बॉल पर, और हार्दिक पांड्या का देखोगे तो 28 रन था जो है 13 बॉल पर। तब देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर रन बनते हुए जो नज़र आया। सूर्य कुमार यादव की अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई इंडियंस से, तो 61 रन बनाया था 38 बॉल पे, और तिलक वर्मा का जो है 43 रन था, और कैमरन ग्रीन का जो आप देखोगे तो 30 रन था 20 बॉल पे। तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे मेंटेन होता हुआ नज़र आया। आप देखो यहाँ पे चांसेस यही रहेगा कि जो भी पहले बैटिंग करेगा उसके जो बैट्समैन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो उनके टॉप 4 या टॉप 3 बैट्समैन है। सेकेंड इनिंग में देखोगे तो हो सकता है कि जो उनके ओपनिंग बल्लेबाज है थोड़ा सा परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन उनका जो वेरिएशन रहेगा बैटिंग का वो काफ़ी जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप जो है उतने अच्छे तरीके से गेस नहीं कर पाओगे कौन अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बहुत ही आराम से जो है गेस कर पाओगे। इसके अलावा फर्स्ट इनिंग में चांसेस ये रहेगा कि विकेट थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे कम मिलते हुए नजर आता है। सेकेंड इनिंग हमने अलमेज देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है विकेट मिलते हुए नजर आता है, और पिछले जो दोनों मैचेज हुए हैं उन दोनों मैचों के हिसाब पर जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि स्पिन बॉलर आप ले रहे हैं तो बहुत ही क्वालिटी वाला स्पिन बॉलर है, तभी जो है उसको पिक करना। बाकी फास्ट बॉलर पर जो है आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, तो इस चीज़ का जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा बात करना, अभी तक हम उसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं विनर सीजन इंडिया में बहुत ही प्रॉफिट उठा सको, व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर जुड़ जाना। साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉर्पोरेट सर्च करके, और टीम रैंक के लिए आप स्क्वाडिंग लेवल पर जुड़ सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक करना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।